बस बेटे बोलो नहीं, राइट डाउन मैक्सिमा मिनिमा, राइट डाउन बच्चों मैक्सिमा मिनिमा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th क्लास, मैक्सिमा मिनिमा। वन क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स, 5 नंबर का है, 100% यस बच्चों। तो सोचो बच्चों तुम्हारा अब तक का मैथ्स तुमने जितना भी पढ़ा है, तुमने कई चैप्टर पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन जो पहला चैप्टर जो अभी हमने नहीं किया, लेकिन पूरा चैप्टर कितने नंबर का, यू नो 5 नंबर का रिलेशन फंक्शन, 5 नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 4 मार्क्स का। सुनो मेरी बात, इधर ध्यान से सुनो, एक टॉपिक हमारा मैक्सिमम मिनिमम, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट हुआ। तुम कुछ समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक कितना प्यारा टॉपिक है। एक क्वेश्चन और टोटल कितने करवाऊंगा देख लेना बच्चों, टोटल जो मैं ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ट्रिपल टी वाले, ऐसे स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए कुछ कुछ करवाता हूँ। टोटल ट्रिपल टी वाले मैं करवाऊंगा 25 में से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता बच्चों। उन 25 में से एक होगा, तो सोचो 25 क्वेश्चन 5 नंबर, वो ज्यादा अच्छी है ना, 25 क्वेश्चन और 5 नंबर, राइट दीक्षा, दिमाग समझ आ रही है सभी को, रट लेना बच्चों, पानी की तरह पी जाना इस टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम के अंदर सेकंड डेरिवेटिव सभी को आना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव तुम सबको पता है क्या करते हैं, हमने एक बार साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कर दिया, तो कोस एक्स द्वारा डेरिवेटिव करना होता है, उसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। सभी को आता है, पढ़ने वाले बच्चे सभी को आता है, एग्री। सबसे पहले देखो आप कि मैक्सिमम मिनिमम में होता क्या है, सबकी नजर बोर्ड पर, यस बच्चों यह देखना बच्चों, ये बच्चों ये करगिल है बच्चों, याद करो करगिल में क्या हुआ था, कारगिल बोलो नहीं, मैं तो कारगिल ही पढ़ा सर। अच्छा बच्चों देखो आगे, यस बच्चों अब कारगिल बोल दो, एक्चुअली मेरे घर में 9 बार टाइम से आता था ना, उसको करगिल लिखो, अरे अरे ये समझाना है मुझे, मुझे ना समझाना है, आप आओ ना उसमें जाओ ना, मेरी फीलिंग्स में जाओ, ये देखो आप, ओके बच्चों ये करगिल है बच्चों, राइट। और यहाँ पर कारगिल कह रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है, ओके पाकिस्तान की आर्मी। अब ये जो है ना बच्चों, ये हमारी ये मतलब कश्मीर की या जम्मू की जो भी रोड है, मेन रोड है ये, राइट, ये भी कश्मीर कह दो, ओके या ओके सुनो। अब बच्चों तुम्हारी क्लास में से एक जाबाज लड़का निशांत जैसा, अच्छा बच्चों ये देखो आप, अब ये बच्चों राइफल लेकर ऊपर जा रहे हैं, अब इसने इसको मारने बच्चों, यहाँ पर हमें अपना इंडियन फ्लैग लगाना है। अब बच्चों यहाँ से जा रहा है ये, अब जैसे ही, अरे यार चुप हो जाओ, ये ले अब आवाज नहीं बिल्कुल भी, अब मैं तो भी आ गया हूँ। ये बच्चों यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है, यहाँ पर एक हाथ का डिस्टेंस रह जाता है बच्चों, बस एक हाथ का डिस्टेंस, इसे गोली लगती है, बड़ी मजा है। एक हाथ का डिस्टेंस, ये पकड़ने वाला था उसको। अब बच्चों देखो आप, यहाँ पर आकर इसको गोली लग गई, अब ये लुढ़क गया बच्चों, ऊपर से नीचे आ रहे, अब ये आ रहे बच्चों, इधर जगह नहीं है, मैं इसको इधर गिरा रहा हूँ, तुम्हें क्या कोई पड़ता है यार, कहीं गिरा अरे बच्चों ना देखो यहाँ पर ये बच्चों हो सकता है यहाँ पर ये लुढ़क के यहाँ पर गिर जाए, ये निशान है बच्चों, ये निशान है। और ये भी हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह पड़े हो, कुछ झाड़ी वगैरह जैसे होती है, यहाँ अटक गया बच्चों, यहाँ अटक गया, इसकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, राइट यहाँ पड़ी हुई है, जिंदा मार लो आपको अब, ओके बच्चों अब सुनो बच्चों, सुन लो यार एक बात बताओ, जब ये बच्चों यहाँ पर पहुंच गया, एक हाथ का डिस्टेंस था, तो क्या मैं इसको मैक्सिमम पॉइंट नहीं बोल सकता, यार बोल सकता हूँ, 99 और 100 में कोई फर्क नहीं पड़ता,
दोनों बराबर होती है। हाँ जी सुनो बच्चों, इधर यहाँ पर इसको भी हम मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे और इसको अगर मिनिमम बोलते हैं तो इसको भी मिनिमम बोलेंगे। अब फर्क क्या बच्चों, इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमा, क्या बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट मिनिमा, क्या बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट मिनिमा, और इसे क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा, राइट। तो बॉडी का ध्यान रखना कहां पड़ी हुई है, ओके राइट। अब इधर आ जाओ बच्चों, इसको बोलेंगे हम बच्चों इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो जो तुम्हारा टॉपिक है बच्चों वो दो है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ये हमारा टॉपिक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो मेन टॉपिक समझ में आ गया कि इस टॉपिक के अंदर हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो आप एब्सोल्यूट निकालोगे, और नहीं लिखा हुआ कुछ भी, खाली लिखा हुआ पॉइंट लोकल में वैसे 99% लिखा हुआ है, बाय चांस अगर नहीं लिखा हुआ तो भी आप एब्सोल्यूट निकालो। तब रजिस्टर टॉप पर लिखो, इफ लोकल वर्ड इज गिवन देन अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट only then होगा, है ना। If local word is given, only then you have to apply second derivative test or first derivative test. Otherwise, जो भी है, नहीं, test तो उसका नाम नहीं है, absolute maximum, otherwise absolute maximum minimum test, उसका test अलग है, उसकी working अलग है। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अच्छा एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास, इसको ब्लैक करना था। स्टार्ट बच्चों, राइट डाउन फर्स्ट बच्चों, मैं आपको करवा रहा हूँ, लिखो टॉपिक का नाम, लिखो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, राइट डाउन एब्सोल्यूट, जो टॉपिक होते हैं ना बच्चों उनको बड़ा बड़ा करके लिखा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। एक्सरसाइज 6.5 का मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5, इसका फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। टॉपिक है बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। देखो f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल बच्चों दे रखे हैं 0.5। अच्छा एक बार और लिख लो आप लिस्ट के टॉप पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा क्लोज इंटरवल होगा, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बिग ब्रैकेट, यानी आप जीरो भी ले सकते हो, आप फाइव भी ले सकते हो, इनके बीच के नंबर्स भी ले सकते हो, राइट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा, क्लोज इंटरवल यानी बिग ब्रैकेट वाला ऑलवेज। अच्छा कई बार क्या होता है एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा होता, खाली लिखा होता है फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, तब भी आपको एब्सोल्यूट निकालना है। अगर लोकल वर्ड लिखा हुआ है तब भी आपको लोकल मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, अगर लोकल वर्ड नहीं है ना तो समझ आना वो एब्सोल्यूट है, अगर लोकल वर्ड नहीं लिखा हुआ तो समझ आना वो एब्सोल्यूट है, याद रहेगा। ओके बच्चों, f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले स्टेप से डेरिवेटिव बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, आते हैं ना सभी को। अब स्टेप टू बच्चों लिखो, फॉर जैसे वाले लिखते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां पर लिखोगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा लेट dy/dx इज इक्वल टू 0। अब सेम काम सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते आ रहे हो, ये सारे स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, राइट। अब इसके बाद हम इसको बच्चों cos x - sin x को 0 से इक्वेट करेंगे,
तो माइनस साइन एक्स को आप उधर ले जाओ, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप डिवाइड कर दो बच्चों, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन गया बच्चों, टेन एक्स। टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वन। टेन एक्स की वैल्यू वन, समझ आ रहे बेटे कशिश? अब टेन वन कब होता है बच्चों बताओ मुझे, पाई बाय फोर पर। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय फोर। एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, टेन फोर्टी फाइव होता है ना, तो एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर। अब ये बताओ ये पाई बाय फोर इसमें लाई करता है या नहीं करता? अब तुम कहोगे सर टेन एक्स की वैल्यू वन तो कहीं और भी होती है, बताओ वन टेन एक्स, वन टेन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आपने लिख दिया पाई बाय फोर, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 प्लस करोगे, 180 प्लस। थर्ड में जाने के लिए क्या करोगे, 180 प्लस। अगर मुझे थर्ड में जाना है तो 180 प्लस करूंगा मैं, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 225। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पाई बाय 4। क्या मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ 0.5 है। तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा बच्चों, पाई बाय 5 पाई बाय 4 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इंटरवल 0.3 पाई बाय 2 कर दूं तो 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 270। अगर मैं 0.3 पाई बाय 2 कर दूं तो मैं पाई बाय 4 भी लूंगा, मैं 5 पाई बाय 4 भी लूंगा, दोनों नंबर लूंगा मैं। समझ आई मेरी बात? ये क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरवल 0.5 है और ये वैल्यू उस इंटरवल में लाई नहीं करती, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। नहीं तो कुछ शौक नहीं हमें उसको रिजेक्ट करने का। समझ आ रहे हैं ना, राइट? अब बच्चों तुम्हारे पास x की केवल एक वैल्यू है पाई बाय 4। अब हम क्या करेंगे, सबकी नजरें बोर्ड पर, सबकी नजरें बोर्ड पर। यस, स्टॉप राइटिंग। क्या करने वाले हो, देखो स्टेप चेंज है बच्चों। यहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, सब बच्चों ने किया था, उस पर वहां पर स्टेप चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर भी स्टेप चेंज हो रहे हैं, इसके बाद बोर्ड पर देखना बच्चों आप इस एक्स की जो वैल्यूज है, आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई एक्स की, एक तो जीरो क्लोज इंटरवल है, और पाई बाय फोर जो बीच में लाई करती है, और लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, पाई। ये तीनों वैल्यूज यहां पर पुट करोगे, एफ ऑफ जीरो निकालूंगा मैं, एफ ऑफ पाई बाय फोर निकालूंगा मैं, एफ ऑफ पाई निकालूंगा मैं। जिस पर सबसे ज्यादा आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पर सबसे कम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। ये टॉपिक है। अब एफ ऑफ जीरो बच्चों चलो करते हैं, यहां पर आप पुट कर दो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो। साइन जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन। एफ ऑफ पाई बाय फोर, साइन फोर्टी फाइव क्या होता है, वन बाय रूट टू। कॉस फोर्टी फाइव क्या होता है, वन प्लस वन कितना हो गया, टू बाय रूट टू कितना होता है, रूट टू की वैल्यू कौन सुनाएगा, 1.414। एफ ऑफ पाई बच्चों, साइन पाई क्या होता है बच्चों, साइन पाई जीरो, कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन। कई बार बता चुका हूं मैं पूरे साल में, जिसको नहीं पता वो याद कर लो, पर मैं हर बार यही बोलता हूँ याद कर लो, याद होते नहीं बच्चों को, लिखो आप। साइन पाई क्या होता है बच्चों, क्या होता है वही साइन पाई, कॉस पाई क्या होता है, टेन पाई क्या होता है, नहीं साइन पाई जीरो, कॉस पाई माइनस वन। डिवाइड करना बेटे, जीरो अपॉन माइनस वन, तो अच्छी लड़की है, जीरो अपॉन माइनस वन क्या होगा, तो देखो ये ऐसे बनाते हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था ये सबको सेकंड चैप्टर में। जीरो अपॉन माइनस वन जीरो, माइनस वन अपॉन जीरो होता है नॉट डिफाइंड हो जाए, हाँ उल्टा नहीं कर सकते, वैसे भी कोटेक्स होगा, मैं तो टेन एक्स टेन पाई पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर? याद है, रटा लगाना है, याद करना होता है। अच्छा बच्चों चलो साथ साथ ये बता दो, साइन टू पाई कौन बताएगा, जीरो, यस, और कॉस टू पाई क्या होता है, और टेन टू पाई क्या होगा, जीरो, यस। अच्छा चलो और बता दो आप, साइन थ्री पाई बाय टू 270, साइन 270 माइनस वन, यस गुड गौरव, साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन, जीरो,
और cos 270 जीरो, tan 3π/2 बच्चों डिवाइड कर दो माइनस 1/0 माइनस इनफिनिटी नॉट डिफाइंड, वेरी सिंपल, नाइस, वेरी लवली बच्चों, ये सारा आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इधर देखो बच्चों, बताओ इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यू 1.41। तो आप क्या आंसर लिखोगे, फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, लिखो यहां पर आंसर, आंसर बच्चों फंक्शन इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज रूट टू। जैसे मैंने आंसर लिखा है ऐसे बताओ दूसरा आंसर क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम के लिए एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एक्स इज इक्वल टू पाई, क्योंकि माइनस वन है ना, एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्यूट मिनिमम एट एक्स इक्वल टू पाई एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन, मिनिमम वैल्यू इज, समझ आया, क्वेश्चन खत्म हो चुका कुछ पूछने तो अभी नेक्स्ट बच्चों देखो आप f of x is, अच्छा एब्सोल्यूट तो मैं समझ में आ गया, ठीक है ना, क्या करना समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा लोकल मैक्सिमम का, एब्सोल्यूट तो पता चल गया ना क्या चीज होती है, मतलब स्टेप्स पता चल गए ना आपको एब्सोल्यूट के, राइट। अब लिखो आप लोकल मैक्सिमम मिनिमम, राइट डाउन लोकल मैक्सिमम मिनिमम, न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, लोकल ज्यादा हूं मैं नहीं दूंगा, 8-10 इसके दूंगा, 4-5 इसके दूंगा। अच्छा बच्चों लोकल मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है, उसी क्वेश्चन को दोबारा ले लू क्या, या आसान सा लू, पहले आसान लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x। अच्छा और खास बात सुनो, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमम में क्लोज इंटरवल नहीं मिलने वाला, कई बार तो इंटरवल होता ही नहीं है, और होता भी है तो स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट के साथ, अगर होता भी है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ, और मैक्सिमम टाइम तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा इंटरवल ही नहीं मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट के अंदर इंटरवल जरूरी है, ये बात लिख लेना रजिस्टर के टॉप पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में इंटरवल का होना जरूरी है, मैंडेटरी है, छोटी बातें हैं बॉक्स में डाल लिया करो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में इंटरवल का होना जरूरी है भाई, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम में हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी बातें अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। चलिए बच्चों पहला स्टेप बच्चों लोकल मैक्सिमम, अच्छा तुम्हें पता है ना बच्चों वो कहाँ अटक गया था, याद है ना नीचे, वो याद है लोकल मिनिमम पॉइंट, आप जीरो सिग्नेट कर दो, लेट dy by dx इज इक्वल टू जीरो, 3x² - 3 इज इक्वल टू जीरो, x² इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, आपने डेरिवेटिव किया, जीरो से डिवाइड किया, पहले भी किया था, पहले भी x की वैल्यू आई थी, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, x की वैल्यू 2 आ रही है प्लस माइनस 1, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद अब बच्चों इधर देखना, बोर्ड पर लिखना, बाद में नोट कर लेना, टाइम मिलेगा आपको। अब आप करोगे सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में फाइंड d2y by dx2 सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, मैंने उसमें नहीं किया था पर इसमें मैं करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव रूल्स है, ये स्टेप्स है, याद करने आपको। अब सेकंड डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा वो देखो आप, अच्छा किसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका, अभी किसका करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 2x * 3 कितना हो गया 6x, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों 6x, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 6x आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों आपका 0 आ गया।
अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, मुझे जो बातें बतानी है पहले सुन लो। सेकेंड डेरिवेटिव तुम्हारा 6x आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्लस 1 पुट करने जा रहा हूं मैं। पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो आप देखोगे फंक्शन ही लोकल मिनिमा, पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमम, राइट। अब देखो पुट x इक्वल टू 1 तो d2y by dx2 मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, 6 into 1 6 मुझे 6 से मतलब नहीं है ना, मुझे किससे मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है आपका, पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मिनिमा, फंक्शन इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ वन, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एक्स लोकल मिनिमा एट एक्स टू वन क्यों आया, लोकल मिनिमा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ वन। ये एफ ऑफ वन का मतलब याद करो क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स है, आप इसमें एक्स वैल्यू वन पुट कर दो भाई, पुट कर दो इसके अंदर एक्स वैल्यू वन, यहाँ पर पुट कर दो बच्चों। तो वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन, सोल्व करो, वन माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस टू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस टू। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी थी, वन पुट करी थी, तो जो काम मैंने x की वैल्यू वन के साथ किया है अब आप पुट करोगे x की वैल्यू माइनस वन, यस, और जब पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमम। टॉप पर लिखवा दू, चलो भी लिखवा दूंगा मैं, पहले इसको क्वेश्चन कर लो फिर मैं लिखवाता हूँ। देखो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमम, राइट, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली पता चल गया। अब सेम काम तो माइनस वन के साथ करो, क्योंकि x की, अच्छा x की मान लो तीन वैल्यू जाती है, मान लो x की तीन वैल्यू जाती है तो तीनों पर चेक करोगे, उसमें क्या था एब्सोल्यूट में, x की वैल्यू जो इंटरवल में लाई करती है, याद करो एब्सोल्यूट में क्या था, जो x की वैल्यू इंटरवल में लाई करती है वो सिलेक्ट होगी, इसमें x की जितनी वैल्यू जाएगी सब पे चेक करो, तीन आएंगी तो तीन पर, चार आएंगी तो चार पर, ओके। शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, फास्ट, ऐसा नहीं हो सकता, यस। अब x की वैल्यू माइनस वन पुट करो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन कहाँ पुट करना है बच्चों, कहाँ पुट करते हैं, इसमें या इसमें, सेकेंड डेरिवेटिव याद है ना, कई बच्चे बड़े परेशान करते हैं मुझे, पुट एक्स टू माइनस वन यहाँ पर। तो बताओ बच्चों सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव, तो माइनस सिक्स आ रहे हैं यानी नेगेटिव आ रहे हैं, तो फंक्शन इज, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स टू माइनस वन, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, पुट कर दो यहाँ पर, माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस, और माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, प्लस थ्री माइनस वन क्या हो गया टू, एंड मैक्सिमम वैल्यू टू, ठीक है। गलती से भी यहाँ मत पुट कर देते, यहाँ पुट करना बच्चों फंक्शन के अंदर, वो हमें समझ आया, 25 क्वेश्चन ओनली 25, पांच नंबर टारगेट, समझ आया, 25 क्वेश्चन रट लेने हैं अच्छी तरह से, ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अब बताओ ये टॉपिक बच्चों लोकल मैक्सिमम मिनिमम लिखो आप, राइट डाउन टॉप पर लिखना बच्चों, इफ राइट डाउन बच्चों, टॉप पर टॉप भर जाए तो दूसरे पेज का टॉप उठा लेना यार, इफ डी टू आई बाई डी एक्स टू इज जीरो, किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा जब हम एक्स की वैल्यू वन या माइनस वन तुम पुट कर रहे हो तो सेकेंड डेरिवेटिव जीरो भी तो आ सकते हैं, एक बच्चे ने भी नहीं सोचा पूरी क्लास में से, अगर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो ना, अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, इफ d2 by dx2 is equal to zero, then अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैंने अभी नहीं करवाया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, then अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया then अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब तुम होगे सगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या चीज,
एक और टॉपिक करेंगे आते फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, ये अलग ही स्टोरी है राइट। ऐसे ये बताओ कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे दो टॉपिक के अंदर? ये सर ना करो, चलो चलो फिर एक काम करते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आय के लिए छोड़ देते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा ही नहीं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव जीरो आए, पर ये तो पता चल गया ना, अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ओके ठीक है, चलिए अब फिर मैं नहीं ऐसे कैसे करके दिखाना बच्चों मुझे। लिखो आप एफ ऑफ एक्स, राइट डाउन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, बताओ इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है फाइंड लोकल मैक्सिमम, क्या इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वर्ड दे सकता है टीचर? नहीं, इंटरवल तो है जीरो कॉमा इन्फिनिटी, पर क्या एब्सोल्यूट दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? इक्वल टू का साइन नहीं है, बिग ब्रैकेट नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, बात समझ आ गई? ये ओपन इंटरवल हो गया ना, ग्रेटर देन जीरो बोले ना उन्होंने, क्लियर? तो अब बच्चों फंक्शन जो है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमम का, यस लोकल मैक्सिमम का केस है बच्चों। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों बताओ? डेरिवेटिव आता है सभी को, जिनको आता है वो चुपचाप शुरू हो जाओ। एफ डैश एक्स, अच्छा ये बता दें प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव कर दो बच्चों, पावर रूल लगा दो, पावर रूल रूट का डेरिवेटिव, रूट रूट मतलब आगे आएगा वन बाय टू, पावर रूल वन बाय टू, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू। बताओ बच्चों मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी बताओ कौन सी गलती की है? बेस का गेम डेरिवेटिव, बेस क्या है? वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो माइनस वन, बेस याद है ना डायलॉग, बेबी को बेस कैसे ऐसे था ना गाना है ना, वन माइनस एक्स बच्चो बेस से याद किया करो बच्चो, इसको सोल्व करो माइनस वन बाय टू मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप एलसीएम लो, माइनस एक्स प्लस टू इंटू दिस, तो यहाँ वन माइनस एक्स और नीचे बच्चों टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, सोल्व करना बच्चों माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स और टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है कितना बन गया ये टू माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये बन गया एफ डैश एक्स। एक बार बताओ ये हमारा क्वेश्चन था एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमम निकालना, बताओ अभी लोकल मैक्सिमम में मैंने क्या बताया था? स्टेप वन हो गया, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? क्वेश्चन टू इसमें नहीं करना, इसमें वो गेम नहीं खेलना ना, नहीं खेलना बेटे, वो उन्हें प्रूव करने वाले आंसर क्वेश्चन होते थे ना, तब तो तब मैं बोलता था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव यहीं पर क्वेश्चन टू लगाना है। अच्छा अभी जीरो से वेट करेंगे ना, पहले जीरो से वेट तो कर लो। देखो बच्चों आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू बाई थ्री आ रही जीरो से वेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टू माइनस थ्री एक्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू बाई थ्री, एक वैल्यू आ गई बच्चों x की वैल्यू 2 बाई 3। अब तुम्हें किस में हिम्मत है बच्चों ऐसा क्वेश्चन टू लगाओ और मुझे x की वैल्यू 2 बाई 3 प्रूव करके बताओ, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, किस में दम है बच्चों? क्वेश्चन टू लगाओ d2y / dx2 निकालो बच्चों, d2y / dx2 निकालो और क्वेश्चन टू लगाओ बच्चों। सबसे पहले करो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव बच्चों हमारा एफ डैश एक्स क्या था याद है? एफ डैश एक्स क्या था बच्चों मेरे पास? टू माइनस थ्री एक्स और नीचे टू अंडर, यही था ना बच्चों?
तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बताओ 2 माइनस 3 एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 3 राइट फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा 2 इंटू 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 जो पहले किया था मैंने लगा दिया राइट आंसर लिख दिया और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो उसे तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम ले लो बच्चों अब जिसको जिसका अलजेब्रा वीक है वो बोर्ड पर देखे जिसका अलजेब्रा वीक है वो बोर्ड पर देखे देखो मैं क्या कर रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं रूट वन माइनस एक्स बनते नहीं करते रूट वन माइनस एक्स एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई होगा राइट तो बच्चों माइनस थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस सिक्स और रूट वन माइनस सिक्स रूट वन माइनस एक्स को मैंने रूट हटा दिया कहां गया रूट भाई वॉमिक रूट कहां गया ऐसे कैसे कट गया एलसीएम ले उसने बोल दिया एलसीएम तो एलसीएम समझा कर बात को ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा बेस सेम तो पावर ऐड होती है और माइनस माइनस ये माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस 3x और नीचे बच्चों 4 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स कोई डाउट क्या सभी बच्चों कैसे आए हैं माइनस 6 माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स और प्लस टू माइनस थ्री एक्स अब बताओ बच्चों और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो सिक्स थ्री एक्स माइनस फोर ये आया क्या सभी बच्चों का ये आया था ना ना इतना भी नहीं इतना भी ना है इधर देखो बच्चों आप बच्चों बोर्ड पर देखो आप करो पुट कर दो बच्चों 2/3 put x is equal to 2/3 put x equal to 2/3 in d2y by dx2 बताओ बच्चों मुझे d2y by dx2 पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है 2/3 यहां पर पुट कर दे रफ फॉर्म में करके देखो घर पे भी तो तुम्हें करने हैं इसमें 2/3 पुट करो जल्दी से इसमें 2/3 पुट करो पॉजिटिव नेगेटिव श्योर बच्चे 2/3 पुट करो नेगेटिव श्योर लॉक कर दूं मैं राइट तो 2/3 यहां पर पुट करोगे आप इसको सोल्व करना बच्चों तो नेगेटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन बताएगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू कौन बताएगा कहां पर पुट करते हैं फंक्शन में कहां पुट करते हैं फंक्शन में तो यहाँ पुट करना है 2/3 ठीक है गलती मत करना बच्चों कुछ बच्चे कहीं और पुट कर देते हैं यहाँ पुट करना है फंक्शन में तो f ऑफ 2 का आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है 2/3 का f ऑफ 2/3 का आंसर यहाँ पुट करते हैं बच्चों 2/3 1 माइनस 2/3 कितना होगा 1/3 और 2/3 और इंटू 1/√3 है ना 2/3 इंटू 1/√3 कितना हो गया बच्चों 2/3√3 ये मैक्सिमम वैल्यू आती है स्टेप समझ आए बच्चों